सेलों का संयोजन पढ़ेंगे, अंग्रेजी में से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहते हैं। तीन प्रकार के संयोजन हमको पढ़ना है। पहला सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दूसरा सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और तीसरा सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। तो पहला श्रेणी क्रम संयोजन, यह चित्र पर प्रदर्शित कराए श्रेणी क्रम संयोजन व्यवस्था को। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कैसा होता है, तो चित्र से स्पष्ट है कि पहले सेल की ऋण प्लेट दूसरे सेल की धन प्लेट से, दूसरे सेल की जो ऋण प्लेट है वो तीसरे सेल की धन प्लेट से, और तीसरे सेल की ऋण प्लेट अगले सेल की धन प्लेट से, और इसी क्रम में और सेल जोड़ते चले जाते हैं जितने भी सेल हो, और पूरी व्यवस्था बना के हम एक वायर प्रतिरोध ले लिया और एक कुंजी लगा दी। ये जो व्यवस्था है इसको हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से एक बार निकला, पहले सेल की ऋण प्लेट दूसरे सेल की धन प्लेट से, दूसरे की ऋण प्लेट तीसरे की धन प्लेट से, और इसी क्रम में शीर्ष सेल जोड़ते हुए इस व्यवस्था को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के नाम से होगा। अब माना कि यहां पर एन सेल जोड़े, एन सेल हमने लिए हैं, और ये सेल ऐसे हैं कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ये ऐसे एंसेल है, देख रहे जब हम कुंजी के जोड़ देंगे तो परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगी, विद्युत धारा सेल की ऋण प्लेट से, सॉरी सेल की धन प्लेट से सेल की ऋण प्लेट की ओर बहती है, तो धारा बहने लग जाएगी। अब एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो एन सेलों का जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वह एन ई हो जाएगा। विद्युत वाहक बल बढ़ेगा क्योंकि प्रत्येक सेल से धारा इस प्रकार से आगे आ रही है, तो कुल धारा भी बढ़ेगी। वो कुल धारा आई हमने लिख दी, और विद्युत वाहक बल भी इसी प्रकार से एन सेलों का कुल मिला के एन ई हो जाएगा। यहाँ पर वो बात लिखी है कि परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल बराबर है। अब जब हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से प्रदर्शित किया, ये सब श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध है, और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इत्यादि। यहाँ पर जो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा या कहें तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, तो एक सेल का आर है तो एन सेल का एन आर हो जाएगा। तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जितने एन सेल है इनका कुल मिलाकर जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस है, वो एन आर। अब एक बाहर ये वायर प्रतिरोध भी है, वायर प्रतिरोध सेलों के साथ श्रेणी क्रम में ही होता है, इसलिए जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा व्यवस्था का, पूरी व्यवस्था का कुल प्रतिरोध या परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, वो एन आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। अब परिपथ में विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा बराबर परिपथ में तुल्य विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य विद्युत वाहक बल एन ई है, तो एन ई लिख देंगे हम, और तुल्य प्रतिरोध एन आर प्लस कैपिटल आर है, वह
वो लिख देंगे यहाँ पर तो संबंध आ जाएगा परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा आई बराबर एन ई बटे एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। चलो इसको समीकरण नंबर टू लिख लें। अब ये दो स्थितियां संभव है। पहली स्थिति, अगर एन आर का मान बहुत अधिक हो कैपिटल आर से, अगर एन आर का मान बहुत अधिक है कैपिटल आर से तो कैपिटल आर को हम नगण्य मान लेंगे, और कैपिटल आर को नगण्य मानेंगे तो शेष बचेगा हमारे पास में आई बराबर एन ई बटे एन स्मॉल आर, एन से निकल जाएगा ई बटे आर आएगा। ई बटे आर ई एक सेल के विद्युत वाहक है, आर एक सेल का अंतिम प्रतिरोध, मान ई बटे आर धारा तो ही लेकिन केवल एक सेल से मिलने वाली धारा के बराबर धारा बहेगी, मान भले ही एन सेल जोड़े हमने श्रेणी के, लेकिन अगर इनका आंतरिक प्रतिरोध है ना इस बाहर के प्रतिरोध से बहुत अधिक है तो परिपथ में केवल एक सेल के बराबर धारा बहेगी, चाहे कितने सेल जुड़े हो लेकिन बाहर के परिपथ में केवल एक सेल के बराबर धारा बहेगी। इसलिए यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध वाय प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तो श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी नहीं होता, तो कितने भी सेल जोड़ दे धारा केवल एक सेल के बराबर मिलती है। लेकिन दूसरी बात भी देखें, अगर इसका उल्टा हो, अगर कैपिटल आर का मान बहुत अधिक हो एन आर से, देखिए यदि कैपिटल आर का मान बहुत अधिक हो एन आर से, अगर आर का मान बहुत अधिक एन आर से तो एन आर को नगण्य मान ले हम, अगर एन आर को हम नगण्य मान लेंगे नगण्य मानेंगे तो शेष बचेगा आई बराबर एन ई बटे कैपिटल आर, या स्पष्ट है ई बटे आर में एन का गुणा मन वाय प्रतिरोध में होकर जो धारा बहेगी, ई बटे आर मन धारा वाय प्रतिरोध में होकर जो धारा बहेगी वो कितनी होगी एन गुणी धारा बहेगी। इसलिए अगर हमको सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है ज्यादा से ज्यादा धारा प्राप्त करने के लिए तो कैसे सेल होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए जिनका वाय प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो, उल्टा कहें जिनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो वाय प्रतिरोध से, इन्हें अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ज्यादा धारा प्राप्त होगी एन गुणी धारा प्राप्त होगी। तो ये कब उपयोगी है अधिक धारा के लिए, ये जो व्यवस्था है जिसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा है इसमें तब ज्यादा धारा मिलती है, तब एन गुणी धारा मिलती है जब वाय प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, कैपिटल आर का मान ज्यादा हो, एन आर माने सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो नगण्य। हम सेलों का संयोजन पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा था। अब हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, सेलों का समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सेल बनाए हैं जिनको हमने समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा है। मान के एन सेल है, यहाँ चित्र में चार सेल बनाए, मान के एन सेल है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल ई है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, और कैपिटल आर ही वाय प्रतिरोध है के कुंजी है इसमें। अब देख रहे हैं अपन प्रत्येक सेल की धन प्लेट ए बिंदु पर जुड़ी है, इसलिए सारी की सारी ये जो धन प्लेटें हैं इनके विभव बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सब चालक तार सुचालक तारों से एक बिंदु ए पर जुड़े। यदि पहली सेल की धन प्लेट का विभव वी वन है तो दूसरी तीसरी चौथे सेल की धन प्लेट का भी इतने विभव है, और इतने विभव ए बिंदु का भी होगा। तो प्रत्येक धन प्लेट का विभव हमने वी वन से प्रदर्शित करा है, ये सब ए बिंदु पर जुड़ी है चालक तारों से,
इसलिए एक अभव भी विवल ही होगा। ठीक इसी प्रकार से जितनी रण प्रीति है ये भी सब चालक तारों से एक साथ डिविंद पर जुड़ी है, तो सारी की सारी रेड प्लेटों के विभव भी बराबर होंगे, और प्रत्येक विभव कितना होगा तो बी बिंदु के विभव के बराबर होगा। अर्थात यदि प्रत्येक रेड प्लेट का विभव V2 है तो बी बिंदु का विभव भी V2 होगा। अब विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होता है, तो पहले सेल के प्लेटों का विभवांतर भी V1-V2 है, दूसरे सेल के प्लेटों का विभवांतर भी V1-V2 है, इसी प्रकार तीसरे और चौथे सेल के प्लेटों का विभवांतर भी V1-V2 है, इसलिए ए और बी के बीच का विभवांतर भी V1-V2 ही होगा। अगर V1-V2 विभवांतर को E से प्रदर्शित करे तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ये है, तो ए और बी बिंदुओं के बीच में जो विद्युत वाहक बल होगा वो भी E ही होगा। समांतर क्रम संयोजन में यही विशेष बात होती है, एक सेल का जितना विद्युत वाहक बल होता है पूरी व्यवस्था का भी उतना ही विद्युत वाहक बल होता है। इसलिए मैंने लिखा है प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E बराबर पूरी व्यवस्था का तुल्य विद्युत वाहक बल। अब जब आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित किया है, लेकिन ये तो समांतर क्रम में हो गए सारे के सारे आंतरिक प्रतिरोध। अगर पूरी जितने सेल हैं सारे के सारे सेलों को जो कुल मिला के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है अगर उसे x से प्रदर्शित करें तो समांतर क्रम संयोजन में हमको पता है 1/x बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इत्यादि। इसलिए यह हमने लिखा है यदि पूरी व्यवस्था का मान सारे सारे सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध x हो तो लिख सकते हैं 1/x बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितनी बार n बार, क्योंकि n सेल है। अब जोड़ दें हम इन सबको तो 1/x बराबर n/r आ जाएगा। अरे तीन बार तीन सेल होते 3/r, चार सेल होते 4/r, n सेल n/r। उलटते हम तो x बराबर r/n आ जाएगा, मतलब जितने सेल है सारे के सारे सेलों का जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो x बराबर r/n हो गए। r माने एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध और n माने सेलों की कुल संख्या। इस प्रकार से जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा ये एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा, से n गुना कम हो जाएगा, 1/n गुना हो जाएगा। चलो ये देख लिया हमने। और बाहर के परिपथ में मान लो कैपिटल R ये प्रतिरोध जुड़ा है, या हम कहने वायु परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R है, और अगर कुंजी के को जोड़ देंगे तो परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। इस धारा को हमने I से प्रदर्शित करा है। अब धारा के लिए हमको व्यंजक पता है कि परिपथ में धारा बराबर तुल्य विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य विद्युत वाहक बल हमने निकाला था देखो E से प्रदर्शित करा हमने, और तुल्य प्रतिरोध को हमने R/n प्लस कैपिटल R से व्यक्त करा है, इसलिए I बराबर आ जाएगा। तुल्य विद्युत वाहक बल E लिख दिया हमने, अब तुल्य प्रतिरोध R/n प्लस कैपिटल R। ये समीकरण चलो तीन हो गई। अब फिर देखने अपन दो स्थितियां बन सकती, इसमें दो संभावनाएं व्यक्त कर सकते हम। पहला, यदि R/n का मान बहुत अधिक हो कैपिटल R से, माने सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है अगर वायु प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तो वायु प्रतिरोध को हम नगण्य मान लेंगे, और तब हमारे पास शेष बचेगा I बराबर E/R/n बचेगा, n ऊपर लिखेंगे तो I बराबर n/r आएगा।
माने अब जो परिपथ है इसमें एक सेल की धारा की एन गुनी धारा बहेगी। कब होगा ऐसा? अगर आंतरिक प्रतिरोध जा रहा होता है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जा रहा होता है, कौन से बाहर के प्रतिरोध से, तो इस प्रकार के संयोजन में बढ़ जाती है धारा। धारा का मान कितना हो जाता है? एन ई बटे आर, माने बाहर के परिपथ में हमको ये धारा मिलेगी, एक सेल की एन गुनी धारा मिलेगी। फिर समांतर संयोजन कब ज्यादा लाभकारी है? जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है तो सेलों को समांतर संयोजन में जोड़ देना चाहिए, ऐसा करने से हमको एक सेल की एन गुनी धारा मिल जाती है। लेकिन अगर उल्टा हो, अगर आर का मान बहुत अधिक हो, ये जो आर है इसका मान आर बटे एन से बहुत अधिक हो, आर का मान बहुत अधिक है आर बटे एन से, तो हम आर बटे एन को नगण्य मानना पड़ेगा हमको। अगर आर बटे एन को नगण्य मानेंगे तो धारा आई बराबर ई बटे आर आएगा, जो यहाँ लिखा मैंने आई बराबर ई बटे आर। ई बटे आर मैंने बाहर के परिपथ में धारा तो मिलेगी, लेकिन केवल एक सेल की धारा के बराबर धारा मिलेगी, इसलिए अगर हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़े तो हमको ज्यादा धारा के लिए ध्यान रखना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो तो हम समांतर क्रम में जोड़ दें, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध अगर वायु प्रतिरोध से कम है तो समांतर क्रम करने में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता। चाहे कितने सेल जोड़ दें हम, लेकिन धारा को केवल एक सेल की धारा के बराबर प्राप्त होती है।